मेरा नाम राजवंती है, मैं गांव मुंडेली से हूँ। मेरे शरीर में बहुत परेशानी रहती थी। मैं ना तो बच्चे के लिए खाना बना सकती थी, ना ही मैं बर्तन साफ कर सकती थी। फिर मैं दवाई लेने आकाश हेल्थ केयर में आई। डॉक्टर विकास अग्रवाल से मैं मिली। फिर उन्होंने मेरे सारे चेकअप लिखे। चेकअप लिखने के बाद उन्होंने बोल दिया मेरी किडनी का ऑपरेशन होएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विकास अग्रवाल। आई एम डायरेक्टर इन द हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, यूरोनकोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स एट आकाश हेल्थ केयर द्वारका। सो आज हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट की जो हमारे पास पेट दर्द लेके आई, और जब हमने उनका एवेल्यूशन किया तो हमें पता चला कि उनकी किडनी में एक गांठ है, और वो गांठ जो है 5.2 सेंटीमीटर की थी और काफ़ी अंदर किडनी के अंदर वाले भाग में थी और ब्लड वेसल्स के नज़दीक थी। तो जब भी कोई किडनी का कैंसर होता है तो हमारे दिमाग में दो ट्रीटमेंट आते हैं, या तो हम पूरी किडनी को निकाल सकते हैं या फिर हम किडनी को बचा सकते हैं सिर्फ ट्यूमर निकाल के। तो इस पेशेंट में हमारे पास ऑप्शन थी कि हम किडनी को बचा सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द रोबोट वी कैन डू दिस काइंड ऑफ द सर्जरी वेरी वेल। फिर हमने सारे घर के अंदर सारी बात बैठकर आराम से डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऑपरेशन को के लिए बोला। तो हमने रोबोटिकली उनका पार्शियल इफेक्ट में किया, और जिसमें कि हमने किडनी को पूरा मोबिलाइज किया और किडनी में जहाँ पर ट्यूमर था सिर्फ उस पोर्शन को निकाला, और रेस्ट ऑफ द किडनी को हमने सूचर करके, क्योंकि किडनी बहुत वेस्कुलर स्ट्रक्चर है तो इट रिक्वायर प्रिसाइज सूचरिंग। सो वी कैन सेव द किडनी इन दिस पेशेंट, एंड आज वो 10 दिन के बाद हमारे पास फॉलोअप में आई हैं, और हम देख सकते हैं कि वो ठीक से अपना सब काम कर रही हैं। उनका किडनी फंक्शन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है, उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो जो बची हुई किडनी है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल रहा। नर्स डॉक्टर सब ने मेरी बहुत अच्छी केयर की, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी साफ सफाई थी, और सब ने मेरी बहुत मदद करी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, किडनी कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, या फिर और भी कोई किडनी या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप आकाश हेल्थ केयर में आके मिल सकते हैं, और टाइम रहते हुए हम उसका इलाज कर सकते हैं। और अब लेटेस्ट रोबोटिक होने की वजह से हम ये सर्जरी जो कैंसर की है, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।